हल्द्वानी के काठगोदाम स्थित चांदमारी इलाके में बीते 24 दिसंबर को हुए अमित हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसपी सिटी अमित श्रीवास्तव ने बताया कि अमित कुमार की हत्या कालीचौड़ के रहने वाले हरीश चंद्र ने की और हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला है। पुलिस ने आरोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया 315 बोर का तमंचा और एक खोखा कारतूस भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को सीसीटीवी और मोबाइल सर्विलांस के चलते आइडेंटिफाई किया गया है, जिसके बाद उससे पूछताछ की गई है। उसने अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपनी पत्नी के मोबाइल में अमित के व्हाट्सएप मैसेज पढ़े, जिसके बाद उसने अमित की हत्या का प्लान बनाया और 24 दिसंबर की शाम अमित के घर के पास रैकी करने के बाद अमित की गोली मारकर हत्या कर दी। गौरतलब है कि इस मामले में पुलिस ने काफी मशक्कत की। परिजनों ने अमित की हत्या का शक उसके ससुरालियों पर भी जताया, लिहाजा पुलिस ने उन पर भी मुकदमा दर्ज कर पूछताछ की, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं हाथ लगा। आखिरकार पुलिस ने अमित का बैकग्राउंड खंगाला, जिसके बाद मोबाइल सर्विलांस सीसीटीवी की मदद से पुलिस को इस केस को खोलने में सफलता मिली। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर रही है। देखिए 24 तारीख को एक काठगोदाम में एक हत्या हुई थी एक व्यक्ति की गोली मार करके, उसमें तत्काल पुलिस ने FIR दर्ज करी है। ऐसे काठगोदाम के द्वारा इसमें विवेचना की जा रही थी। तमाम वीडियो फुटेज और इत्यादि चीज़ें हमने बरामद हुई, उस आधार पे हमने अभियुक्त को आइडेंटिफाई किया, जो उसे पकड़ा गिरफ्तार किया तो उसने जो है पूरी घटना के बारे में बताया। उसने बताया कि जो है प्रेम प्रसंगों के वजह से जो है उसने ये घटना को अंजाम दिया है उसने, और जो विक्टिम था उसको जो है उसकी पत्नी के साथ रिलेशन को समझ रहा था वो, इस आधार पे उसने उसको हत्या करी है। और इसमें हमें तमंचा बरामद हो चुका है और मोटरसाइकिल बरामद हो चुकी है, तमाम और चीज़ें बरामद हो चुकी हैं। अभी उसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय प्रस्तुत कर रहे हैं।